एक और नया चैप्टर है आपकी किताब में कौन सा चैप्टर है सर आपकी किताब का यह है चैप्टर नंबर फोर एम एन अरोड़ा बुक का चैप्टर नंबर फोर चैप्टर का नाम है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सर चैप्टर का नाम है मार्जिनल एंड एबजॉपन कॉस्टिंग मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब क्या है सर बड़ा छोटा सा बड़ा ही सिंपल चैप्टर है एग्जाम में पंद्रह नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कई बार तो इसलिए बस इस चैप्टर में बेसिकली एक एब्जॉर्प्शन इनकम स्टेटमेंट और मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट इन दोनों में फर्क क्या है ये देख लेते हैं सर जो हमारा एब्जॉर्प्शन में कहता है कि हम फिक्स कॉस्ट को जो फिक्स कॉस्ट होता है सर फिक्स कॉस्ट किस पे होता है आपका प्रोडक्शन वाले पार्ट में प्रोडक्शन वाले पार्ट में जो फिक्स कॉस्ट होगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे अभी मैं समझाऊंगा से चिंता बिल्कुल भी नहीं करना आपने जो यहां पे प्रोडक्शन वाले कॉस्ट में होगा उसको तो हम कंसिडर करेंगे और यहां पे कहता है फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्शन वाले पार्ट में सर प्रोडक्शन वाले पार्ट में कंसिडर नहीं करेंगे मैंने क्रॉस लगा दिया नॉट कंसिडर की जगह पे क्रॉस लगा दिया ठीक है सर अब मार्जिनल का एक और नाम है मार्जिनल को हम सर वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं जो इकोनॉमिक्स में आपकी डेफिनेशन आपने देखी होगी सर सेम डेफिनेशन यहां पे भी रहेगी कोई बदलाव नहीं है एक एक्स्ट्रा यूनिट जो सोल्ड करते हैं उससे जो हमारे सेल के ऊपर इम्पैक्ट आता है उसे वेरिएबल कॉस्ट यानी मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं इस चैप्टर में हमें दोनों के स्टेटमेंट बना के फिगर आउट करना होगा कि भैया इसके अकॉर्डिंग अगर हम फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्शन में लेंगे और फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्शन में अगर नहीं लेते हैं तो इन दोनों से हमारे प्रॉफिट मार्जिन पे क्या फर्क पड़ेगा सर प्रॉफिट मार्जिन का मतलब सर आपको एक इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी दैट इज़ बड़ा सिंपल सा इनकम स्टेटमेंट आपको अगर मैं बताऊं तो याद होना चाहिए कॉस्ट शीट जिस बच्चे को कॉस्टिंग का कॉस्ट शीट याद है वो तो फटाफट कैच कर लेगा जी अरे ये तो वही है सेम और जिसको कॉस्ट शीट जिसने नहीं पढ़ा हुआ उनको थोड़ा सा अजीब लग सकता है तो सेम इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं तो क्या आप सभी को याद है कॉस्ट शीट शीट में भी तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते थे तो यहां पे हम लिख लेते हैं इनकम स्टेटमेंट बस थोड़ा सा फॉर्मेट अलग रहेगा सर एक हम एब्जॉर्बन के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे एक मार्जिनल के हिसाब से हम इनकम स्टेट बना लेंगे और एग्जामिनर को हम प्रूव करके बता देंगे और क्यों फर्क आ रहा है उसका बस एक रीजन देना होगा क्यों फ़र्क आ रहा है एक उसका रीज़न देना होगा तो सर इस चैप्टर के अंदर बेसिकली यही है कि फिक्स कॉस्ट को मार्जिनल वाले में कंसीडर नहीं करते प्रोडक्शन में और यहाँ पे हम कर लेते हैं यानी फिक्स कॉस्ट के वेरिएशन की वजह से हमारा फर्क आ जाता है सर कॉन्सेप्ट में पूरा पूरा फ़र्क आ जाता है और जब हमारा नेट प्रॉफिट के अंदर चेंजेस आता है वो चेंजेस क्यों आया तो आपने बताना होगा कि यहाँ पे हमने फिक्स कॉस्ट को कंसिडर किया था या फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया था तो हम फटाफट पहले इन दोनों के इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगा कहां फिक्स कॉस्ट को इन्वॉल्व किया जाएगा पहले हम वो समझ लेते हैं तो फटाफट से हम पहले वो समझ लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी और आइडिया भी आ जाएगा ये तो मैं एब्जॉर्बन के हिसाब से करके दिखाऊंगा इनकम स्टेटमेंट और एक मार्जिनल के हिसाब से कर लेंगे आप पर एक एब्जॉर्बशन के हिसाब से और एक मार्जिनल के हिसाब करिए सर यहां मैं टॉप पे लिख रहा हूं अगर विजुअल ना हो तो आप बता दीजिएगा प्लीज ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है शायद सीधी कर देते हैं इसको सर यहां पे रखा हमने प्राइस यहां रखा पर्टिकुलर यहां बनाया इनकम स्टेटमेंट कर ये किसके हिसाब से एब्जॉर्बसन के हिसाब से और एक हम एज इट इज सर विजुअल नहीं है ओके थोड़ा नीचे कर लेते हैं अब नाउ बताइए विजुअल है अब मेरे हिसाब से विजुअल होना चाहिए है ना और यहीं एक हम बना लेंगे किसका सर एक साथ में बना लेंगे मार्जिनल के हिसाब से मार्जिनल के हिसाब से चलिए सर लिखते जाते हैं सबसे पहले हम लेंगे सेल्स पहले मैं ये बना रहा हूँ प्रॉफिट क्या होता है सर सेल्स में से सारे खर्चे माइनस कर दीजिए अब मैं निकालूंगा खर्चा खर्चे में सबसे पहले आएगा हमारा सबसे पहले आएगा हमारा सर प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे पहले आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट इसको बताऊँ उससे पहले मैं थोड़ा सा क्लियरिटी दे दूँ कि सर को कितने पार्ट में बांटा गया है नॉर्मली आपको कॉस्ट याद हो, तो सबसे पहले होता है प्रोडक्शन कॉस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं मैं ये। प्रोडक्शन है रॉ आपने परचेस किया है आपका लेबर और आपका फैक्ट्री कॉस्ट ये होता है प्रोडक्शन में प्रोडक्शन के बाद एक होता है हमारा एडमिन कॉस्ट और एक होता है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये तीन प्रकार के खर्चे हैं सर इसके अंदर जो फैक्ट्री कॉस्ट होता है इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी हो सकता है वेरिएबल भी हो सकता है सर इसमें भी फिक्स कॉस्ट हो सकता है वेरिएबल हो सकता है सर इसमें भी फिक्स कॉस्ट हो सकता है इसमें वेरिएबल भी हो सकता है सारी बातें ये हैं तो सर इसके अंदर हमारा एक तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट और हमारा जो एडमिन है और सेलिंग है ये सारे वर्डिक हमने कॉस्टशीट में सीखा है फिर भी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है वो मैं लिख देता हूं आपका रॉ मटेरियल परचेज या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्ट मटेरियल या फिर आप बोल सकते हो बड़े सिंपल शब्दों में डायरेक्ट मटेरियल फिर और क्या हो सकता है डायरेक्ट लेबर तर और क्या हो सकता है ओवरहेड या फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट कह लो या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अनेक नाम है इसके फैक्ट्री कॉस्ट कह लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह लो और आप कह लो फिक्स्ड फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट इफ़ एनी अगर है तो ठीक है फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट इफ़ एनी इसके ऊपर स्पेशली हाईलाइट करना चाहूँगा मैं अलग पेन से ताकि मैं आगे कंपेरिजन कर पाऊँ जैसे ही हमने लिखा क्या लिखा सर ये आ गया जैसे हमने ये तो सबसे पहले तो जी सर ये टोटल आ गया ये सेल्स का ये सेल्स का टोटल आ गया इसके बाद ये आ गया हमारा ये आ गया ये आ गया ये आ गया ठीक है अब हमारा एक हेडिंग जनरेट हो जाएगा सर क्या हेडिंग जनरेट होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी हमारा टोटल जब ये करेंगे तो टोटल करने के बाद जब हम इसको एक बार टोटल कर लेंगे ऊपर से सबसे ऊपर से नहीं करना सिर्फ ये वाला हिस्सा करना है तो आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसके अंदर ऐड कर देंगे सर ओपनिंग स्टॉक और वो भी कौन सा यहां पे सिर्फ एफ जी वाला होगा और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ये भी कौन सा सर एफ जी वाला मैं इसके ऊपर स्टार बनाना चाहूंगा क्योंकि ये आपने सीखना होगा जिस पे स्टार बनाया जा रहा है इसका मतलब वो सर सीखोगे आप कैसे कैलकुलेशन किया जाए कैसे किया जाए जब इनको टोटल कर देंगे अगेन एक हेडिंग जनरेट होगा जिसका नाम मैं देने जा रहा हूँ हेडिंग का सर क्या हेडिंग होगा हेडिंग होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसके अंदर जुड़ जाएगा एडमिन एक्सपेंस सर दो तरीके के हो सकते हैं वेरिएबल वाला भी और फिक्स वाला भी दोनों जोड़ दिए जाएंगे इसके बाद यहाँ जुड़ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर कौन सा वेरिएबल पार्ट भी और सर फिक्स पार्ट भी तो वेरिएबल पार्ट बजटरी में तो हमने बड़े अच्छे से देख लिया है आ गया सर जब इनको करेंगे टोटल जब इनको टोटल किया जाएगा देन हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा सर अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास टोटल कॉस्ट अब मान लेते हैं सेल्स को हमने ए पार्ट मान लिया और टोटल कॉस्ट को हमने बी मान लिया तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाए बेहद सिंपल बहुत ही सिंपल सर मैं विजुअल के लिए थोड़ा सा इस छोटा कर रहा हूं सर प्रॉफिट कैसा निकाला जाए तो प्रॉफिट टू सेल्स माइनस में टोटल कॉस्ट तो सर एक हमने यहां पे प्रॉफिट निकाल लिया है ये टोटल करके ये प्रॉफिट निकाल लिया तो सिंपल सी बात है आप इसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कहिए आप इसे कॉस्ट शीट कहिए या अपने तरीके से नए प्रॉफिट को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मेट कह लीजिए ये तो था सर एब्जॉर्ब में अब आपको जो मैं बताने वाला हूं वो करेंगे अब हम अगला किसके हिसाब से सर अब सारा करने वाले हैं हम इसके हिसाब से सेल्स ये आ गया सर इसको सबसे टॉप पे रख देंगे टोटल करके ठीक है इसके बाद माइनस करेंगे हम यहाँ पे माइनस करेंगे लेस वेरिएबल कॉस्ट हालांकि प्रोडक्शन कॉस्ट भी लिख सकते थे बट मैंने लिख दिया लेस वेरिएबल कॉस्ट सर क्या क्या माइनस करने वाले हो देखिए डायरेक्ट मटेरियल और सर डायरेक्ट लेबर और सर फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट जिसको हमने क्या नाम दिया था एम जी मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एम जी एच कर देते हैं एम या मैन्युफैक्चरिंग पूरा ही लिख लेता हूँ मैनी फैक्चरिंग एक्सपेंस ठीक है अब यहाँ पे जैसे ही ये पार्ट टोटल हो जाएगा हमारा जो हेडिंग जनरेट हो जाता है सर सीधा आ जाता है कॉस्ट ऑफ मैं अब आप सभी से आंसर की उम्मीद करूँगा कौन बच्चा कमेंट में बताएगा कि इन दोनों फॉर्मेट में क्या फ़र्क है कौन बच्चा कमेंट में बताएगा कि इन दोनों फॉर्मेट में क्या फ़र्क है बताइए आप पिछले चैप्टर से बिल्कुल भी लिंक नहीं है न्यू मान के चलिए आप कौन सा स्टूडेंट बताएगा क्या फर्क है इन दोनों में बताइए जल्दी कौन बताएगा सर फिक्स साक्षी ने बिल्कुल सही जवाब दिया सर फिक्स और मैंने यहां स्पेशली इसको हाईलाइट भी किया और हाईलाइट कर भी देते हैं इससे करें सर यही कलर तो कैसा लगेगा हाईलाइट देख लेते हैं ये रहा अरे है ये तो बहुत बेकार लग रहा है वाइट करा जाए चलिए छोड़िए कर देते हैं इसको करना तो पड़ेगा सर हाईलाइट किया यानी सर आपने कहा ये इसमें फैक्ट्री कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो मैं पीछे क्वेश्चन में कह रहा था क्या कह रहा था सर कि आपको एब्जॉर्ब में फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन में सर लिया जाएगा और मार्जिनल वाले में फिक्स कॉस्ट को नहीं लिया जाएगा तो अब आपको थोड़ी मेरी बातें समझ में आएगी कि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को कंसिडर किया जाएगा और यहां पे नहीं किया जाएगा गौरव ने भी सही जवाब दे दिया तो चलिए सर लेकिन फिक्स कॉस्ट लेंगे स्टेटमेंट में लेकिन कहाँ लेंगे वो देखना देखने वाली बात रहेगी हमारे लिए ठीक है, है सर आगे क्या करेंगे इसमें सेम वही एड ओपनिंग स्टॉक ये भी फिनिश गुड्स का और लेस क्लोजिंग स्टॉक सर ये भी एफजी का तो हालांकि मैंने यहाँ पे एड लेस में ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये लीजिए लगा देते हैं ये सर हो गया एड और ये सर हो गया लेस सर इसके बाद क्या आएगा हमारा इसके बाद क्या आएगा कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थोड़ा सा मैं अपने फॉर्मेट में वेरिएशन कर रहा हूँ बुक से थोड़ा सा लेकिन ठीक है वो अगले पॉइंट पे चलते हैं यहाँ पे आ जाएगा एडमिन एक्सपेंस और आ जाएगा यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जब इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो जनाब इन सभी को जब जोड़ेंगे तो रिजल्ट विल बी कम आउट टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो यहां पे मैंने वर्ड यूज किया था टोटल कॉस्ट और यहां पे क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं टोटल वेरिएबल टोटल कॉस्ट क्या होता है आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा टी सी इज टू वी सी प्लस में एफ सी आपने इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि वेरिएबल और एफ फिक्स कॉस्ट को मिलाओ तो टोटल यहां वेरिएबल है अब अगर मैं सेल्स में से वेरिएबल माइनस कर दूं, सेल्स में से वेरिएबल माइनस कर दूं तो एक शब्द आता है जो आप सभी को पता है सर क्या आता है कंट्री क्या सेल्स माइनस वीसी बहुत किया है हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत किया है और मैनेजमेंट अकाउंट में भी हमने बहुत किया है कहां किया है सर मैनेजमेंट में पिछला जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वाला था तो हर बार हम कंट्रीब्यूशन निकालते थे ठीक है अब सर यहां पे अब देखना मेजर चेंजेस जो है और जो मैं लिखने वाला हूं सर अब यहां माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट सर कौन कौन से फिक्स कॉस्ट एक फैक्ट्री वाला सर एक एडमिन वाला और सर एक सेलिंग वाला एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये सभी माइनस करेंगे इससे ये जो हमारा निकल के आया है इससे माइनस करेंगे इसको जैसे ही इसको माइनस किया सर ये आ गया हमारा क्या आ गया प्रॉफिट प्रॉफिट जैसे ही माइनस किया ये आ गया प्रॉफिट चलिए सर थोड़ा विजुअल कमी विजुअल कमी नहीं स्पेस कमी तो इसको दिखा देते हैं चलिए अब मैं आपको यहां पे अगेन हाईलाइट हाईलाइट क्या करोगे बार बार हाईलाइट ये करेंगे कि यहां पे फिक्स कॉस्ट को अपने अपने जगह पे ले लिया गया था देखिए हाँ। यहां यहां वेरिएबल को और फिक्स को यहीं ले लिया गया था और यहीं ले लिया गया था मतलब अलग से नहीं लिया गया और यहां पे फिक्स कॉस्ट को एक अलग जगह पे ही रखा गया सभी फिक्स कॉस्ट को चाहे फैक्ट्री का हो यहाँ फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में ले लिया गया था चाहे एडमिन का हो एडमिन वाला यहाँ पे देखो एडमिन में ले लिया गया था चाहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो यहाँ पे देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ले लिया गया था तो जवाब आएगा इन दोनों के प्रॉफिट में आएगा फर्क सर इन दोनों के प्रॉफिट में क्या चेंजेस आएगा तो बड़ी सीधी सी बात है बड़ी सिंपल सी बात है इन दोनों के प्रॉफिट में चेंज क्या आएगा क्योंकि अगर मैं वैल्यूएशन देखूं क्योंकि अगर मैं वैल्यूएशन देखूं सर कहाँ का वैल्यूएशन इसका क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन देखूं तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट फिक्स कॉस्ट को ऐड करके लिया जाएगा और यहां पे क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट विदाउट फिक्स कॉस्ट को ऐड करके लिया जाएगा तो दोनों के जब फिक्स कॉस्ट डिफर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है नीचे आने वाला प्रॉफिट हमारा डिफरेंस ही आएगा कुछ फॉर्मूला सर दे ध्यान से देखिए हमारा जो प्रोड्यूस यूनिट होता है यूनिट प्रोड्यूस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक यूनिट या मैं यूनिट प्रोड्यूस की जगह पे लिख दू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो क्या होता है सर ओपनिंग स्टॉक यूनिट प्लस प्रोडक्शन ये भी सर यूनिट माइनस में क्लोजिंग स्टॉक्स सर ये सारा का सारा यूनिट में है इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो प्रोडक्शन भी निकाल सकते हो क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल सकते हो ओपनिंग स्टॉक भी निकाल सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाला जा सकता है एक बात और ध्यान देने वाला है हम क्लोजिंग स्टॉक का रेट कैसे निकालेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक का रेट निकाला जाएगा इक्वल टू प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय और हालांकि मैं इसे क्लोजिंग स्टॉक का रेट इसलिए कह रहा हूं कि यूज वहां होना है पर यूनिट रेट कहूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा मैं इसको रेड मार्कर से लिख देता हूं इसको मैं पर यूनिट रेट कह दू ठीक है डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट अब क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कैसे निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट सर क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट निकाला जाएगा कैसे क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट निकाला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक यूनिट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर किससे सर क्लोजिंग पर यूनिट रेट से तो ये आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट सर क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट देखिए यहां पे भी आपको नहीं देगा तो यूज करना होगा और यहां पे भी क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट नहीं देगा तो यूज करना होगा यानी सर मैं बोलूँ तो यहाँ पे एडजस्टमेंट जो लगाएगा ना एग्जामिनर इसके बीच में ना दो पॉइंट्स और एडलेस होना है वो होना है अंडर ऑब्जॉर्ब और ओवर एब्जॉर्प्शन वो मैंने नहीं लिखा है फिलहाल क्वेश्चन में आएगा तब लिखेंगे तो सर यानी सर वेरी सिंपल मैं कहना चाहता हूं क्लोजिंग स्टॉक यानी एडजस्टमेंट हमेशा 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 इस पे होगा अब आप बात को समझिएगा क्लोजिंग स्टॉक का रेट कैसे निकला प्रोडक्शन यूनिट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन जब प्रोडक्शन यूनिट इस वाले में मान लेते हैं इस वाले में अगर मैं कहूं ध्यान दीजिएगा अभी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकल हम बट समझ तो लेंगे इस वाले में मैंने बताया प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो पांच हज़ार है और यूनिट जो है वो पांच सौ है तो यहाँ पे बताइए पर यूनिट रेट क्या होगा और मैंने बताया क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो होगा हजार क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो क्या होगा हमारा हज़ार तो यहाँ पे बोलोगे सर आपका यूनिट प्रोडक्शन पांच हज़ार है और आपका जो यूनिट प्रोडक्श अमाउंट पाँच हजार है यूनिट प्रोडक्शन पाँच सौ है मीन्स यहाँ पे कितने आएंगे सर यहाँ पे दस रुपये यूनिट आ जाएगा और मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है दस के तो दस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा सर दस हजार सेम यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये भी सर पाँच हजार की जगह पे ये क्योंकि कम आएगा ऑब्वियस सी बात है कम आएगा फिक्स कॉस्ट नहीं जोड़ा ये मान लो पैंतालीस सौ आया और यहाँ पाँच सौ यूनिट आया तो नौ रुपए रेट आ जाएगा लेकिन सर क्लोजिंग स्टॉक तो हजार ही बचा है तो टू नौ करेंगे तो ये आ जाएगा सर नौ हजार यहां वाले पोर्शन में नौ हजार माइनस होगा यहां वाले पोर्शन में दस हजार माइनस होगा तो जब माइनस ज्यादा अलग ज्यादा होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है बहुत सीधी साधी बात है दोनों के प्रॉफिट में क्या आ जाएगा फर्क आ जाएगा यही हमें रीजन देना है कि एब्जॉर्बशन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो भी चेंजेस होता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज आ जाता है पहले आप यहाँ तक देखिए फॉर्मेट समझ में आया या फिर नहीं आया फिर हम आ, आज क्वेश्चन तो नहीं करेंगे क्वेश्चन हम करेंगे कल सवेरे पहले आप बताइए यहाँ तक के पॉइंट में समझ में आया नहीं आया आपको